जब ये बहस जारी थी तो कुरैश के कुछ आदमी दो मुसाफिरों को पकड़कर सरदारों के सामने ले आए। उन्हें बताया गया कि ये दोनों आदमी जो अपने आप को मुसाफिर कहते हैं हमारे खेमों के इर्द गिर्द घूम फिर रहे थे और हमारे चार पांच आदमियों से उन्होंने पूछा कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। इन दोनों ने अबू सुफियान और दूसरे सरदारों के सामने भी यही बयान दिया कि वो मुसाफिर हैं और किसी जगह का नाम लेकर कहा कि वो उधर जा रहे हैं। अबू सुफियान के हुक्म से उनके फटे पुराने कपड़े जो उन्होंने पहन रखे थे उतरवाए गए तो अंदर से खंजर और तलवारें बरामद हुईं। उनसे पूछा गया कि तुमने ये हथियार छुपा कर क्यों रखे हैं। खालिद की नज़र बहुत तेज़ थी, उसे शक हुआ कि ये मुसलमानों के जासूस हैं। उन दोनों को कुरैश की फ़ौज के सामने खड़ा कर दिया गया और पूछा गया कि उन्हें कोई पहचानता है। दो तीन आवाज़ें आईं कि हम इन्हें पहचानते हैं, ये यसरब के रहने वाले हैं। इस एक को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, कुरैश के आदमी ने उठकर कहा, इसे मैंने अपने खिलाफ लड़ते हुए देखा था। तुम अपनी ज़ुबान से कह दो कि तुम मोहम्मद के जासूस हो, अबू सुफियान ने इन दोनों से कहा, और जाओ मैं तुम्हारी जान बख्शी करता हूँ। दोनों में से एक ने एतराफ़ कर लिया, जाओ, अबू सुफियान ने कहा, हमने तुम्हें माफ़ किया। दोनों जो वाकई मुसलमानों के भेजे हुए जासूस थे कुरैश के अजायम मालूम करने आए थे, हंसी खुशी अपने ऊँटों की तरफ चल पड़े। अबू सुफियान के इशारे पर कई एक तीरंदाजों ने कमानों में तीर डाले और पीछे से इन दोनों मुसलमानों पर चला दिए। दोनों कई कई तीर अपने जिस्म में लेकर गिर पड़े, फिर ना उठ सके। क्या तुम इसका मतलब समझते हो, अबू सुफियान ने अपने करीब खड़े सरदारों से कहा, जासूस भेजने का मतलब ये है कि मुसलमान हारे नहीं, वो अभी या कुछ ही अरसा बाद हम पर हमला करने का इरादा रखते हैं। फौरन मक्का को कूच करो और अगली जंग की तैयारी करो। अगले रोज़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने आकर बताया कि अहले कुरैश ने जहाँ पड़ाव किया था वहाँ अपने दोनों जासूसों की लाशें पड़ी हुई हैं और अहले कुरैश मक्का को रवाना हो गए हैं। खालिद ने यह पहली जंग लड़ी, लेकिन वह समझता था कि वह मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सका। आज चार बरस बाद वह इस सोच में गर्क था कि मुसलमानों की यह ताकत आम इंसानों की ताकत नहीं थी, कोई राज है जिसे वह अभी तक नहीं पा सका। उसे अहले कुरैश की कुछ खामियां याद आने लगीं, कुछ बातें और कुछ अमाल इसे अच्छे नहीं लग रहे थे। उसे यहूदियों की दो बड़ी खूबसूरत औरतें भी याद आईं जो अहले कुरैश के सवारों में घुल मिल गई थीं। वो जानता था कि यहूदी अपने नस्वानी हुसन के जादू से अहले कुरैश पर छा जाने की और इन्हें मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। यह तरीका उसे पसंद न था, लेकिन इनमें से एक औरत एक रोज़ खालिद से मिली तो खालिद ने महसूस किया कि ये औरत जो कुछ कह रही है उसमें अक्ल व दानिश है। उस औरत के हुस्न जवानी का अपना एक असर था, लेकिन तलिस्म जो इसकी ज़ुबान में था उसका असर खालिद ने भी महसूस किया था। कुछ देर तक ये औरत खालिद के ख्यालों पर छाई रही, इसका घोड़ा हुनहुनाया तो खालिद जैसे ख्वाब से बेदार हो गया। वो तेज़ी से उठा, घोड़े पर सवार हुआ और फिर मदीना के रास्ते पर हो लिया। फलीद का बेटा खालिद शहजादा था, ऐशरत का भी दिलदादा था, लेकिन फन हरब ज़रब का जुनून ऐसा था कि ऐशरत को उस जुनून पर हावी नहीं होने देता था। मदीना की तरफ जाते हुए से वो हसीन जमील यहूदन याद आई जिसका नाम युहावा था। उसने इस यहूदन को जहन से निकाल दिया, लेकिन युहावा रंग बरंगी तितली बनकर उसके जहन में उड़ती रही। खालिद उसे जहन से निकाल ना सका। खालिद के जहन में उड़ती हुई उस तितली के रंग फीके पड़ने लगे, फिर तमाम रंग मिलकर सुर्ख हो गए, खून जैसे सुर्ख। ये एक भयानक याद थी। खालिद ने उसे जहन से उगल देने की बहुत कोशिश की, लेकिन तितली जो जहरीली भीड़ बन चुकी थी उसके जहन से ना निकली। यह मारका अहद के तीन चार माह बाद का एक वाक़ा था। यह एक साजिश थी जिसमें वो शरीक ना था, लेकिन वह कबीला कुरैश का एक बड़ा ही अहम फ़र्द था। मुसलमानों के ख़िलाफ़ किसी साजिश में शरीक न होने के बावजूद वह दावा नहीं कर सकता था कि वह इसमें शरीक न था। मारका अहद में जख्मी होने वाले बाज़ अहले कुरैश के जख्म अभी ठीक नहीं हुए थे कि एक रोज़ खालिद को ख़बर मिली कि मदीना से छः मुसलमान तबलीग इस्लाम के लिए रजी की तरफ जा रहे थे। अफ़ान से थोड़ी दूर एक गैर मुस्लिम कबीले ने इन्हें रोक लिया और इनमें से दो को मक्का लाया गया और इन्हें नीलाम किया जा रहा है। वो दो मुसलमान खुबैब बिन अदी और ज़ैद बिन दसना थे। खालिद दोनों को जानता पहचानता था, वो इसी के कबीले के अफराद हुआ करते थे। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। इनमें हब्बे रसूल का यह आलम था कि रसूल खुदा पर जाने कुर्बान करने को तैयार रहते थे। रसूल खुदा उन्हें बहुत अजीज़ रखते थे। खालिद ने देखा कि उन्हें एक चबूतरे पर खड़ा कर दिया गया था और इर्द गिर्द अहले कुरैश का हजूम था। एक गैर मुस्लिम कबीले के चार अफराद उनके पास खड़े थे, दोनों के हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे। ये दोनों मुसलमान हैं, एक आदमी चबूतरे पर खड़े ऐलान कर रहा था, ये दोनों ओहद में तुम्हारे खिलाफ लड़े थे, इनके हाथों तुम्हारे अजीज़ और खून के रिश्तेदार मारे गए थे। है कोई जो इंतकाम की आग बुझाना चाहता है, इन्हें खरीदो, इन्हें अपने हाथों कत्ल करो और खून के बदले खून बहाओ। ये आदमी सबसे ऊँची बोली देने वाले को मिलेंगे। बोलो, दो घोड़े, एक आवाज़ आई। बोलो, बढ़कर बोलो, दो घोड़े एक ऊँट, एक और आवाज़ आई। घोड़े ऊँटों को छोड़ो, सोने में बोली दो, सोना लाओ, दुश्मन के खून से इंतकाम की प्यास बुझाओ। वो लोग जिनके करीबी रिश्तेदार ओहद की लड़ाई में मारे गए थे बढ़ चढ़ कर बोली दे रहे थे। खुबैब और ज़ैद चुपचाप खड़े थे,
उनको चेहरों पर खौफ था ना घबराहट थी, हल्की सी बेचैनी भी नहीं थी। खालिद हजूम को चीरता हुआ आगे चला गया। और कुरैश के सरदार के जंगजू बेटे खुबैब ने खालिद को देखकर बड़ी बुलंद आवाज से कहा, तेरा कबीला हम दोनों का खून बहाकर उस मुकद्दस आवाज को खामोश नहीं कर सकता जो गार हिरा से उठी है। ला अपने कबीले को नामवर लड़ाका और मेरे हाथ खुलवा दे, फिर देख कौन किसके खून से प्यास बुझाता है। मैदान जंग में पीठ दिखाने वालों, जैद ने गरजदार आवाज में कहा, तुमने शिकस्त का इंतकाम हमारे भाइयों की लाशों से लिया। तुम्हारी औरतों ने उहद के मैदान में हमारी लाशों के कान और नाक काटे और उनके हार अपने गलों में लटकाए। आज 4 बरस बाद मदीना की तरफ जाते हुए खालिद को खुबैब और जैद की ललकार और ताने साफ सुनाई दे रहे थे। वो जैद के ताने को बर्दाश्त नहीं कर सका था। आज 4 बरस बाद भी उसे ताना याद आया तो फिर उसके जिस्म ने झुरझुरी ली। उसे उहद के मैदान का वो मंजर याद आया जब अबू सुफियान की बीवी हिंदा ने हमजा की लाश का कलेजा निकाल कर अपने मुँह में डाल लिया और चुबा कर उगल दिया। उसी औरत ने अपने साथ की औरतों से कहा था कि वह मुसलमानों की लाशों के कान और नाकें काट लाएं। उन औरतों ने उसके आगे नाकों और कानों का ढेर लगा दिया था। हिंद ने उन कानों और नाकों का हार बनाया और अपने गले में डाल लिया था और वो पागलों की तरह मैदान में एक गीत गाती और नाचती फिरी थी। उस मंजर को उसके खावंद अबू सुफियान ने पसंद नहीं किया था। खालिद ने तो नफरत से मुंह फेर लिया था। 3-4 माह बाद दो मुसलमान जिनके हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे उसे ताना दे रहे थे। वो ओछे तरीके से इंतकाम लेने वाला आदमी नहीं था। वो यहाँ से खिसक आया और अहले कुरैश के हजूम में गुम हो गया। उसे इस कबीले का एक आदमी मिल गया जो इन दो मुसलमानों को पकड़ कर लाया था। किसी भी तारीख में उस कबीले का नाम नहीं है। मौरखों ने भी हिशाम के हवाले से एक जंगजू कबीला लिखा है जो कुरैश का इत्तेहादी था। खालिद ने उस जंगजू कबीले के उस आदमी से पूछा कि इन दो मुसलमानों को किस तरह पकड़ा गया। खुदा की कसम, उस आदमी ने कहा, कहो तो हम इन मुसलमानों के रसूल को पकड़ लाएं और नीलामी के चबूतरे पर खड़ा करते हैं। तुम जो काम नहीं कर सकते उसकी कसम न खाओ। खालिद ने कहा, मुझे बताओ कि इन दो को कहाँ से पकड़ा गया है। ये 6 थे। उस शख्स ने जवाब दिया, हमने उहद में मारे जाने वालों का इंतकाम लिया है, आइंदा भी ऐसे ही इंतकाम लेते रहेंगे। हमारे कबीले के कुछ आदमी मदीना में मोहम्मद के पास गए और कहा कि वो इस्लाम कबूल करने आए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनका पूरा कबीला इस्लाम कबूल करने का इरादा कर चुका है, लेकिन पूरा कबीला मदीना नहीं आ सकता। हमारे इन आदमियों ने मोहम्मद से कहा कि उनके साथ चंद एक मुसलमानों को उनके कबीले में भेजा जाए जो पूरे कबीले को मुसलमान करे और फिर कबीले को मजहबी तालीमात देने के लिए कुछ अरसा वहीं रहे। हमारे ये आदमी जब वापस आए तो उनके साथ 6 मुसलमान थे। उधर हमारे सरदार शारजा बिन मुगीस ने 100 आदमियों को रजीह के मुकाम पर भेज दिया। जब ये 6 मुसलमान रजीह पहुँचे तो हमारे 100 आदमियों ने उन्हें घेर लिया। तुम सुनकर हैरान हो गए कि 6 मुसलमान तलवारें निकालकर 100 आदमी के मुकाबले पर आ गए। हमने 3 को मार डाला और 3 को पकड़ लिया, उनके हाथ रस्सियों से बांध दिए। शारजा बिन मुगीस ने हुक्म दिया था कि मदीना से कुछ मुसलमान तुम्हारे धोखे में आकर तुम्हारे साथ आ गए तो इनमें से 2-3 को मक्का ले जाना और इंतकाम लेने वालों के हाथों फरोख्त कर देना। हम 3 को इधर ला रहे थे, रस्ते में इनमें से 1 ने रस्सियों में से हाथ निकाल लिए मगर वह भागा नहीं। वो इतना फुर्तीला था कि उसने हमारे एक आदमी के नियाम से तलवार निकाल ली क्योंकि उसे हमने नहत्ता कर रखा था। उसने बड़ी तेज़ी से हमारे 2 आदमियों को मार डाला। अकेला आदमी इतने सारे आदमियों का मुकाबला कब तक करता। वो मारा गया और हमने उसके जिस्म का कीमा कर दिया। ये 2 रह गए। हमने उनके हाथ और ज़्यादा मजबूती से बांध दिए और यहाँ ले आए। और तुम खुश हो, खालिद ने उसे तंजिया कहा। मोहम्मद क्या कहेगा, अहले कुरैश और उनके दोस्त कबीले इतने बुजदिल हो गए हैं कि अब धोखा देने और 6 आदमियों को 100 से मरवाने पर उतर आए हैं। क्या तुमने मुझे बात सुनाते शर्म महसूस नहीं की? क्या इन्हें 100 आदमियों ने अपनी माओ को शर्मसार नहीं किया जिनका उन्होंने दूध पिया है? तुमने मैदान जंग में मुसलमानों का क्या बिगाड़ लिया था वलीद के बेटे, उस आदमी ने कहा। क्या तुम मोहम्मद की ताकत का मुकाबला कर सकते हो? बदर में 1000 कुरैश 313 मुसलमानों से मार खा कर आए। उहद की लड़ाई में मोहम्मद के पैरोकार कितनी तादाद में थे? 700 से कम होंगे, ज़्यादा नहीं। कुरैश कितने थे? 1000। सुन खालिद बिन वलीद, मोहम्मद के हाथ में जादू है। जहाँ जादू चलता है वहाँ तलवार नहीं चल सकती। फिर तुम्हारी तलवार किस तरह चल गई, खालिद ने पूछा। अगर मोहम्मद के हाथ में जादू है तो तुम्हारे सरदार शारजा बिन मुगीस के धोखे में किस तरह आ गया? उसके 4 आदमियों को किस तरह मार डाला? इन दो को मोहम्मद के जादू आज़ाद क्यों नहीं करा देता? तुम जिस चीज़ का मुकाबला करने की जुरात नहीं रखते उसे जादू कह देते हो? हमने जादू को जादू से काटा है, शारजा बिन मुगीस के कबीले के आदमी ने कहा। हमारे पास यहूदी जादूगर आए थे, उनके साथ 3 जादूगरनियाँ भी थीं। उनमें से 1 का नाम युहावा है, हमने अपनी आंखों से देखा है। 1 घनी झाड़ी में से 1 बरछी ज़मीन से सरकती हुई बहेर आई। ये बरछी झाड़ी में वापस चली गई और सांप बनकर वापस आई। ये सांप वापस झाड़ी में चला गया। मदीना की तरफ जाते हुए उसे ये वाकया याद आ रहा था। वो इसे याद नहीं करना चाहता था लेकिन जहरीली भीड़ों की तरह ये यादें उसके ऊपर भुनभुनाती रहीं। उसे युहावा याद आई। वो जादूगरनी थी या नहीं, उसके हुस्न में, जिस्म की साख्त, मुस्कुराहट और बोलने के अंदाज में जादू था। उसने